हेलो प्रदीप, बोलो। प्रदीप भाई, कौन बोल रहे हैं? प्रदीप भाई, मैं संतोष की वाइफ बोल। संतोष जी की वाइफ? अच्छा अच्छा अच्छा, भाभी जी नमस्कार। पहली बार आपसे बात हो रही है। से आप एक तो आते नहीं है घर, अब तो मेरे ख्याल से संतोष से भी आपका मिलना जुलना कम हो गया है। थैंक। वो असल में पहले हम एक ही ऑफिस में थे, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, लेकिन अभी इनफैक्ट लास्ट वीक हम नोएडा में मिले भी थे अड्डा पे। हाँ, मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरी संतोष से, मेरी प्रदीप से बात हुई थी, अड्डा पे मिले थे, तो मैंने कहा घर लाना था। भाभी जी कभी होगा तो आएंगे जरूर, आपके हाथ का बना खाना भी खाएंगे। मैंने आपको किसी दूसरे काम के लिए फोन किया था। हाँ बोलिए। यू नो, संतोष के दोस्त रह चुके हैं, अभी तो मिलना जुलना कम है। आप एंड आई एम सो एब्सेंट। नहीं कि हम दोस्त नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कोई बात है तो बताइए। बट आई एम सो एब्सेंट, आप शादी में भी नहीं आए। शादी में मैं एक्चुअली यहाँ पर था नहीं उस वक्त। मुझे प्रदीप आपसे थोड़ी सी हेल्प ये लेनी थी। मैं इस बात को कहने में, पता नहीं, मुझ में खौफ भी बैठा हुआ है, मैं डर भी बहुत रही हूँ। पता नहीं अगर मैं ये बात संतोष को बताऊंगी तो वो कहीं डांटे ना या गुस्सा ना हो जाए, या डर लग रहा है कि मैं अगर उनको ये बात बताऊंगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों खौफ सा बैठा हुआ है, कहीं उनको बुरा ना लगे, तो मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। बात क्या है? कुछ नुकसान हो गया? कुछ नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ना लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है कि उनको कैसे बोलूं। आप एक बार मुझे बताइए कि मतलब क्या बात है, मैं उसे बता दूं। प्रदीप जी, आई एम प्रेग्नेंट। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर संतोष को बताती हूँ कि तो कहीं नाराज ना हो जाए, या कहीं बुरा ना माने, या डांट ना दे मुझे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं समझ ये नहीं आ रहा कि संतोष क्यों नाराज होगा। संतोष का बताओगी तो वो तो उछला कूदा फिरेगा। लेकिन आप डर आप, है मुझे डर है। मतलब डर क्यों नहीं है आप? जब भगवान उसे बच्चा दे रहा है तो वो आखिर अपने बच्चे से क्यों नाराज होगा? कोई नहीं रहा है, हम दोनों का ही बच्चा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि बताऊंगी तो कहीं डांट ना दे। मैं बताऊंगा तो वो जो मुझे डांटेगा आपको भी डांटेगा कि तुझे पहले बताया मुझे बाद में बताया, वरना मैं मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, उसको कितनी होगी? बताना मैं ही चाह रही हूँ, बताना मैं ही चाह रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा था कि डांटे ना कहीं। नहीं डांटेगा क्यों भाभी? क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, पापा को बताया था तो 2 घंटे डांटा था उन्होंने, और इतने नाराज रहे थे, 3 दिन तक नाराज रहे थे। शादी से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने अपने पापा को बताया था तो बहुत नाराज हुए थे, तो मुझे यही लग रहा था कि यार कहीं ये भी नाराज ना हो जाए। तो अभी तो नहीं आएगा ना इसको गुस्सा? पापा को तो बहुत आया था, पापा ने तो ये कहा था कि तू पागल है, तूने कुछ सोचा नहीं। अच्छा ये वो उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है? संतोष की जॉब ठीक चल रही है। मैं सोचा मैं आपसे पूछ लूं, तो ये पापा की तरह ये तो नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि आपका दोस्त रह चुका है। वो कुछ कह रहा था ना, ये अपनी जॉब के लिए चेंज करने के लिए कह रहा था कुछ। नहीं मेरी बात हुई थी उसके लिए, कह रहा है अभी तो उन्होंने कहा अभी तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन देख रहे हैं कहीं जॉब। बुरा तो नहीं मानेगा ना पापा की तरह? बाहर जाने का बीच में था, लेकिन अभी तो कैंसिल कर दिया। स्टिल आई एम थिंकिंग कहीं यार ऐसे ना हो मैं बताऊं तो वो नाराज हो जाए, इसलिए मैंने फोन किया आपको। लाइट आपके यहाँ सही जा रही है भाभी जी? लाइट हमारे यहाँ इतनी जा रही है, एक तो गर्मी इतनी है, फिर एसी बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो इतना बुरा लगता है लाइट तो, पता नहीं ऐसी है, आपको पता ही है। आई एम स्टिल कंफ्यूज। ठीक है भाभी जी, मैं रखता हूँ फोन, आप फिर संतोष को बताई देना। डांटेगा तो नहीं? नहीं डांटेगा नहीं। पापा ने तो इतना डांटा था 6 साल पहले। अरे पापा ने डांटा था तो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ ना ये नहीं डांटेगा। ये नहीं डांटेगा ना, मेरे को यही तो डर है, पापा ने इतना डांटा था, मैं डर रही हूँ ना इसलिए, पापा ने डांटा था बहुत। भाई ये नहीं डांटेगा। तो मैं बता दूं, तो पापा ने डांटा था यार, आप ये नहीं समझ रहे? ये भी क्लियर हो गया ना, पापा ने डांटा था। हाँ तो ये तो नहीं डांटेगा। अरे यार मैं रखता हूँ। Thank you.